हेलो फ्रेंड्स, बेलीफ किचन में आपका स्वागत है। गर्मी हो या ठंडी, लस्सी पीने का कुछ मज़ा ही और होता है। तो आज हम देखेंगे मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी बनाना बहुत ही आसान है और ये टेस्टी भी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक मैंने यहाँ आम लिया है, 2 बड़े चम्मच शक्कर, 1 कप दही, 1/2 कप दूध, इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। अभी एक बोल में मैं दही डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं दही बहुत ही गाढ़ी है, हमें इसे अभी फेंट लेना है हाथ से। दोस्तों, दही फेंटने के लिए ग्राइंडर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपने अगर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया तो ये जो हमारी दही है वो पानी की तरह टेस्ट करेगा और बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी हमारी लस्सी। तो इसी तरह से विस्क के साथ हमें इसे फेंट लेना है। तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से फेंट चुकी है। तो अभी मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा दूध डाल के मैं इसे अभी मिक्स कर रही हूँ। अभी बचा हुआ भी मैं दूध डाल रही हूँ। तो इसे अच्छी तरह से हमें विस्क की सहायता से मिक्स करना है। तो अभी मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच जितना शक्कर डाला है इसमें, और इसे मैं अच्छी तरह से मिला रही हूँ। आम की लस्सी बनाने के लिए हमें आम का पल्प चाहिए। तो अभी हम आम कट कर रहे हैं। तो इसे अभी 2 हिस्सों में हमें काट लेना है। बीज एक साइड में रहेगी। तो अभी मैंने इनके 2 स्लाइसेस कर लिए हैं। अभी बीज के भी साइड्स में कट कर रही हूँ, वहाँ का भी पल्प आता है तो वो भी मैं निकाल रही हूँ। अभी इन्हें 2 हिस्सों में काट रही हूँ मैं, ताकि इनका पल्प अच्छी तरह से निकल जाए। तो ये देखिए, इसे जस्ट प्रेस करना है और ये अपने आप निकलता है पल्प। तो बचा हुआ पल्प भी रहता है इनके छिलकों पे, तो हमें एक स्पून की सहायता से निकाल लेना है। बीज पे भी बहुत सारा पल्प रहता है तो स्पून की सहायता से हमें निकाल लेना है। तो मैंने अभी ये पल्प निकाल लिया है अभी, ये देखिए। तो अभी इसे मैं चम्मच की सहायता से स्मैश कर रही हूँ। स्मैश करने के बाद एक विस्क की सहायता से हमें इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। अगर आप इसे मिक्सी में डालोगे तो ये थोड़ा सा खट्टा और कड़वा लगेगा। अभी हमारा पल्प रेडी है, ये देखिए। तो अभी इसमें हम डालेंगे दही का मिक्सचर, थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है और इसे मिलाते रहना है। तो अभी मैं बचा हुआ दूध और दही का मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ और इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है अभी। इसमें अभी मैं डालूंगी इलायची पाउडर और मैं इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसे मिलाने के बाद हमारी मैंगो लस्सी अभी रेडी है। तो मैं इसे अभी गार्निश कर रही हूँ कुछ कटे हुए बादाम और पिस्ता से। दोस्तों, मैंगो लस्सी बहुत ही टेस्टी है, ये आप ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।